हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करेंगे कुछ अलग सा डिफरेंट मेकअप लुक। तो उसके लिए मैंने मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैसलीन। तो आपकी स्किन भी एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप वैसलीन यूज कर सकते हो मॉइस्चराइजर के लिए। एंड स्टेप बाई स्टेप देखते जाइए वीडियो को। इतना सा मैंने वैसलीन लिया है एंड पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है एंड ड्राई स्किन के लिए बेस्ट। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ग्लो नहीं हो रहा है, तो आप रात के टाइम पे वैसलीन से मसाज करके सोओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने मॉइस्चराइजर की जगह पे वैसलीन अप्लाई कर लिया है। अब हम लोग को डार्क सर्कल एंड पिगमेंट को हाइड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बेबी लिप्स पिंक कलर की। तो जितना भी छोटा छोटा डार्क स्पॉट्स है, इससे क्या होगा आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ग्लो आएगा, साइन आएगा, लगेगा स्किन आपकी साइन कर रही है। और बहुत ज़्यादा ये डार्क कलर नहीं है तो आपका जो पिगमेंट है वो इजिली हाइड भी हो जाएगा और आपका मेकअप जो है वो डार्क भी नहीं पड़ेगा। और ये कलर करेक्टर नहीं है, लिपस्टिक है, लिप बाम है, मतलब मान लो तो ये अच्छे से शुगर का पॉप लिप बाम है ये। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हाथों से ही, हल्का हल्का। देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा फाउंडेशन का। बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें ज्यादा ज्यादा सा यूज करना है, सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है। क्योंकि हमको दिन के लिए मेकअप करना है एंड जो हमारा मेकअप है वो इससे लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। यहाँ पे मैं फाउंडेशन ले रही हूँ इतना सा बस। अब इसको पूरे फेस पे इस तरीके से टैप टैप करके फैला लेंगे फिंगर टिप्स की मदद से। आईज के ऊपर भी लगा लेंगे, बहुत अच्छा सा आई मेकअप यहाँ पे करने वाली हूँ आज मैं। और ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से गीला करेंगे पहले। उसके लिए आपको मैंने वही बताया है, आपको सबसे पहले अपने मेकअप को ब्लेंड करने से पहले, फाउंडेशन को ब्लेंड करने से पहले मेकअप पिक्सल को जरूर लगाना है फेस पे। इससे क्या होगा जो आपका फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ब्लेंडिंग अच्छे से होगी। ब्लेंडिंग अच्छे से होता है तो आपका मेकअप वैसे ही बहुत अच्छा और लगता है प्रोफेशनल एकदम किया हुआ है उस तरीके से। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा जब भी आप मेकअप कर रहे हो तो ब्लेंडिंग के लिए, ब्लेंडिंग से पहले आप मेकअप फिक्सर फेस पे अप्लाई कर दीजिए। जैसे कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, उसको ब्लेंड करने के लिए बस इतना सा ही अप्लाई करना है ताकि बिल्कुल भी चेहरे पे दिखाई ना दे और जो हल्का फुल्का पिगमेंट है वो हाइड हो जाए और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। कभी भी ब्लेंडर को ऐसे रगड़ना नहीं है, बिल्कुल टैप टैप करना है इस तरीके से। तो बिल्कुल हल्का हल्का फाउंडेशन हमने अप्लाई कर लिया है। गर्मियों में आप मेकअप कर रहे हो तो इस तरीके से ही करिएगा तो उससे आपका मेकअप भी ज़्यादा देर टिकेगा और आपका बेस जो है वो बहुत हैवी नहीं दिखेगा। तो देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया, बिल्कुल पास आके दिखाती हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है फेस पे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कंसीलर का। एक 7 CC का कंसीलर है, बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रूफ है। इस पर मैंने एक बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, पूरे फेस पे पानी से वॉश करके दिखाया था और मेकअप मेरा रात तक चला था। बस ज़्यादा ज़्यादा से लगाएंगे क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ओके, आईज के नीचे भी थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। अब इसको ब्लेंड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो हमारा कंसीलर है बहुत ज़्यादा ही ड्राई है। तो अब सॉरी मैंने फाउंडेशन ले लिया, आपको मेकअप फिक्सर लेना है, इस तरीके से लगा देना है जिससे कि ये जो थोड़ा सा लूज पड़ जाए और ब्लेंडिंग बहुत ईजिली हो जाए। किस किस के साथ ऐसा होता है, आप कुछ प्रोडक्ट उठाते हो दूसरा चीज हाथ में आ जाता है, उतना फाउंडेशन मेरा वेस्ट हो गया। इस तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल टैप टैप ऐसे करना है और बहुत इजीली आपका जो मेकअप है वो ब्लेंड हो जाएगा। आईज के कॉर्नर में तरह क्या होता प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाता है तो आपको इस तरीके से जो इसका कॉर्नर है उससे आपको ब्लेंड कर लेना है तो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया हमारा। अगर आपके पास लिक्विड ब्लशर है, हाइलाइटर है तो पहले अप्लाई कर लोगे सेट करने से पहले भी इसको, यानी कि कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से पहले। और इसके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक वेस्टर्न ड्रेस के लिए हेयर स्टाइल बताऊंगी जो कि आप इंडियन ड्रेस के साथ पहनते हो तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपका।
ये ब्लेंड हो गया हमारा। अब हम लोग यहाँ पे लिक्विड हाईलाइट ब्लशर लगाएंगे। ये वाला ब्लश है, इन कलर का है, शेड नंबर 1 है, लाइट पिंक। इस तरीके से मैं बहुत सारा ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, दूसरी साइड भी, नोज पे भी अप्लाई करेंगे, देन ब्लेंड करेंगे। इसको आप हाथों से ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल जरा सा इफेक्ट आना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग फेस है तो आपको इस तरीके से ब्लशर अप्लाई करना है, राउंड राउंड में, थोड़ा सा राउंड पे ऐसे लंबा जाएगा लेकिन लॉन्ग पे ऐसे ऐसे करके। अब मेकअप करने के बाद आपको आई मेकअप करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब पूरे फेस को सेट कर रहे हैं, आईब्रो मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि ग्रोथ मुझे पूरी करनी है, उसके बाद से मैं आईब्रो बनाऊंगी। आप देख सकते हो मेरा डार्क सर्कल भी बहुत अच्छे से हाइड हो गया। अगर आपके पास डार्क स्पॉट एंड डार्क सर्कल बहुत कम है तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया, उस तरीके से भी पूरा मेकअप हाइड, सॉरी डार्क स्पॉट्स को हाइड कर सकते हो विदाउट कलर करेक्टर। तो पूरा बेस जो है हमारा वो अच्छे से सेट हो चुका है। कभी भी कॉम्पैक्ट लगाते टाइम आपको ब्रश को ऐसे राउंड राउंड घुमाना होता है, क्यों? क्योंकि जब आप राउंड राउंड घुमाते हो तो अच्छे से आपके बेस को सेट करता है और एक जगह टिकता नहीं है, जिससे कि आपका मेकअप बेस जो है वो केक ही नहीं होता बाद में। इसलिए आपको कॉम्पैक्ट लगाते टाइम हमेशा राउंड राउंड ब्रश को घुमाना है। ओके, हमने कॉम्पैक्ट लगा लिया। अब हम यहाँ पे हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर में लॉन्ग टाइम से यही वाला यूज़ करिएगा, और भी हमेशा का अलग ही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो इसको नोज़ पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेंगे। कई लोग बस यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं, बट पूरा लगाओगे तो आपकी नोज जो है अगर चिपकी है तो उस पूरी शार्प लाइन दिखेगी। और लॉन्ग फेस के लिए हाइलाइटर आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, यहाँ पे लगा लो और फिर यहाँ तक ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आईज के जस्ट नीचे इस तरीके से पूरा हाइलाइटर लगाइए। इससे जब आप आई मेकअप करोगे तो बेस बहुत अच्छे से रेडी होता है, या फिर बस इस तरीके से लगा के भी आप कहीं जा सकते हो। अभी टूट चुका है तो इसको बहुत आराम से रखना पड़ता है। अब हम लोग करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो हम लोग करेंगे आईब्रो फिलिंग का। तो उसके लिए पेंसिल को पहले मैं छील ले रही हूँ। साथ के साथ ये वाला ब्रश ले लेंगे। आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोज डाली हैं, बट फिर भी देख लीजिए इसका शेप हमने परफेक्ट बना लिया। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करेंगे। हेयर कहाँ कहाँ है उससे मतलब नहीं है, दोनों आईब्रोज बिल्कुल परफेक्ट दिखनी चाहिए, सेम दिखनी चाहिए। ओके, अभी बिल्कुल सेम दिख रही है। अब इनको ब्लेंड कर लेंगे। बस जितना प्रोडक्ट आपके आईब्रो पे लगा हुआ है उसी से ब्लेंड करना है, और प्रोडक्ट बार बार नहीं लगाना है। ओके, अगर आपने मेकअप बेस पूरा कर लिया है तो आपको इस तरीके से आईब्रो वगैरह फिल करना। अगर हम लोग बाद में करते तो आप बाद में भी कंसीलर से अपना लाइन ड्रॉ कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे मेकअप कर चुके हैं तो हम यहाँ पे बाद में कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। अगर आप बिगिनर शो सीख रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहले पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपना बाकी का फेस मेकअप बेस वगैरह रेडी करो। ओके, सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से। ओके, इस तरीके से पूरा आईब्रो को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए आप थोड़ा सा हाइलाइटर आईब्रो के जस्ट नीचे अप्लाई कीजिएगा। उससे क्या होता है, जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो छिप जाते हैं और मेकअप बिल्कुल अच्छा दिखता है। यहाँ पे हेयर एक्स्ट्रा है तो इसके ऊपर हम लोग हाईलाइटर लगा देंगे। पूरा तो नहीं छिपेगा लेकिन हाईलाइटर की वजह से आपका जो शेप है वो परफेक्ट दिखेगा। आईब्रो आईज के कॉर्नर पर आपको हाईलाइटर अप्लाई करना है। लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे, आई शेडो पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट ले लिया है एंड इसमें से ब्लैक कलर का शेड ले रहे हैं। ओके,
देखिए बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, आपने मेकअप पे रेडी कर रखा है तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पहले निकाल दे, एंड आपको नीचे से इस तरीके से ब्लैक शेड को अपने आईज पे अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ओके, पूरा इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक दोनों आईज पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना मत भूलिएगा, सेंटर से अप्लाई करेंगे, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लेके जाएंगे। कभी भी पूरे ब्लैक कलर से आपको आई मेकअप नहीं करना होता है, तो अभी मैं बताती जा रही हूँ, आप ध्यान से देखते जाइएगा। अब आपको लेना है डार्क ब्राउन शेड, ब्राउन शेड ले लिया, इसका भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे, देन जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे इनर कॉर्नर से पूरा आउटर कॉर्नर तक। कोई कट क्रीज नहीं करनी है, बहुत ईजी वे में आप इस तरीके से आई मेकअप अपना कंप्लीट कर लोगे। ओके, अब आपको लेना है ग्लिटर, तो ब्लैक कलर का आई मेकअप किया है हमने, तो ब्लैक ग्लिटर ले सकते हो या फिर आप डार्क ब्राउन ग्लिटर ले सकते हो, और फिंगर टिप की मदद से इस तरीके से आईज पे अप्लाई कर दो। अब इसको और भी खूबसूरत लुक दिखाने के लिए एक और टिप बताऊंगी, तो इसीलिए बोलती हूँ वीडियो पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए। पूरा आई लिड पे हमने यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा पूरा मेकअप जो है वो ब्लैक ब्लैक सा दिखा है, तो आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए आप थोड़ा सिल्वर कलर से चाह सकते हो, एंड सेंटर पे इस तरीके से अप्लाई कर दोगे तो साइन जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, देखा आपने, तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। अभी जाना नहीं है, अभी मैं और भी बता रही हूँ कुछ। अब आपको आई शेडो में से डार्क ब्राउन शेड या फिर ब्लैक शेड लेना है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना है, लो वाटर लाइन पे अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, इस तरीके से अब आपको क्या करना है, हमने बेस तो पूरा रेडी किया था, हमने कोशिश भी पूरी की कि हमारा मेकअप बेस पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट ना गिरे, फिर भी थोड़ा बहुत गिर गया हो तो आपको इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और इस तरीके से रिमूव कर देना है। अब बारी आती है हमारा लाइनर अप्लाई करने की, लाइनर में इस वाले लाइनर में आपको विंग्स नहीं बनाना है, आपको इनर कॉर्नर से आईलाइनर अप्लाई करना है। जो एक्स्ट्रा फैल जाए तुरंत के तुरंत साफ करने की कोशिश मत कीजिएगा। इनर कॉर्नर पे लाइनर को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, लो वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, तुरंत के तुरंत साफ मत कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद साफ करोगे तो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा।
विंग्स बहुत बड़ी नहीं निकालनी है इसमें। लोअर टाइम पे लाइनर जरूर अप्लाई कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपका जो काजल आप लगाओगे तो वो फैलेगा नहीं एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ओके तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काजल को अप्लाई कर लिया लाइनर को। बिल्कुल मिक्स कर देना है, विंग्स आपको नहीं बनानी है यहाँ पे, हल्का सा बस जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। ओके एंड लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे मेकअप ब्रश था उसमें आप थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का आई शेडो लेके इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल के जो आपने विंग्स बनाई थी इसके पास इस तरीके से ब्लेंड कर देना है दोनों साइड से। ब्लैक कलर का आई शेडो लेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल के विंग्स को ब्लेंड कर देना है। ओके अब ब्लू वाटर लाइन से आपको काजल अप्लाई करना है। काजल के लिए बड़ी वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो एंड ब्लैक काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे वाइट काजल अप्लाई करूंगी। वाइट काजल से आपकी आईज जो होती हैं वो बड़ी दिखती हैं। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप ब्लैक काजल अप्लाई कीजिएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बट आपकी आंखें छोटी हैं तो आप वाइट काजल अप्लाई कीजिएगा। अब आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से प्रोडक्ट को ले लेना है एंड जहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा लाइनर लगा था वहाँ से आप इस तरीके से उसको निकाल दोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप है वो भी रिमूव नहीं होगा और जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा लाइनर लग गया था वो इजीली रिमूव हो जाएगा। अब आपको दोबारा से अपना मेकअप ब्रश लेना है एंड कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है एंड जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके फेस पे गिरे होंगे उनको इस तरीके से हटा देना है। जहाँ से आपने लाइनर निकाला था वहाँ पे भी जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस पर आईलैशेस लगाएंगे। आईलैशेस से पहले आपको मस्कारा अप्लाई करना है, बट यार ध्यान रखिएगा कि आपका जो मस्कारा है वो पूरा वाटरप्रूफ होना चाहिए। आईलैश लगाने के लिए वीडियो डिटेल में डाली हुई है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। और मेरे पास मस्कारा भी है तो ये है लैक्मे का, ये वाला बिल्कुल भी नहीं फैलता है और बहुत जल्दी सूख जाता है जिससे कि फैलने का डर भी नहीं रहता, तो साथ के साथ इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से मस्कारा अप्लाई कर देना है। मस्कारा लगाने से क्या होता है आपका जो भी प्रोडक्ट आपके आईलैशेस पे लगा रहता है वो इजीली रिमूव हो जाता है या फिर ब्लैक मस्कारा को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है। जो भी मस्कारा लगाते हैं आपके फेस पे प्रोडक्ट गिरा हो उसको वैसे का वैसे छोड़ना, ध्यान रखिएगा जब भी आप मेकअप थोड़ा डार्क कर रहे हो तो आपको लिपस्टिक अपनी जो है वो हमेशा न्यूड शेड में लगानी है, यानी कि लाइट शेड लगानी है कोई भी या फिर न्यूड शेड लगानी है। तो मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर लगा रही हूँ। तो ये हमारा मेकअप तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके साथ ही बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल, तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। मेकअप के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ अलग लेके, कुछ डिफरेंट सा यूनिक सा मेकअप ट्रिक एंड बारीकियों के साथ पूरा डिटेल मेकअप टिप्स।
जो भी आपको नहीं समझ में आता है, जो चीज़ें रह जाती है, मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी डिटेल में और भी बारीकी के साथ आप लोगों को समझा पाऊँ। तो चाहिए थोड़ा सा क्या करेंगे, मेरा जो लाइनर है वो मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से मैंने अपना लाइनर लिया है एंड ये डार्क नहीं लग रहा था तो इसको मैंने डार्क कर दिया। लाइनर हमेशा डार्क लगाइए, जो भी शेड लगा रहे हो, जो भी कलर लगा रहे हो। एंड दोनों लाइनर में क्या डिफरेंट है, इस साइड का जो लाइनर है वो लो वाटर लाइन वाला थोड़ा चौड़ा है, तो इसको भी हम लोग चौड़ा कर लेंगे। अब परफेक्ट लग रहा है, तो चलिए हेयर स्टाइल बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपको फुल डिटेल वीडियो के साथ, हेयर स्टाइल के साथ सॉरी। तो आज मैंने किया है कुछ इस तरीके का मेकअप। ये आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी कर सकते हो एंड कुछ बोल्ड लुक में चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड ये है हेयर स्टाइल आज का, तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ये हेयर स्टाइल एंड ये मेकअप। सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो एंड बहुत ही इजी वे में बहुत ही बारीकी के साथ सारी डिटेल्स देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।